नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं जी न्यूज पर। आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 8 बजे वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी से तैश में तृणमूल कांग्रेस, आज दिल्ली और साथ ही कोलकाता में एक साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। चिटफंड में 2 सांसदों की गिरफ्तारी पर भड़की ममता, मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। टीएमसी के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा, सीआरपीएफ कल ही तैनात हो गई। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पर हमले को बीजेपी नेताओं ने बताया ममता की बौखलाहट, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थर भी फेंके। बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार से बात की, गृहमंत्री राजनाथ ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी। कोतवाली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की आज भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में पेशी, बोले संसद में सक्रिय रहने का बदला ले रहा है केंद्र। केंद्र के खिलाफ ममता को मिला कांग्रेस का साथ, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहती मोदी सरकार। बदले के आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम कर रही है सीबीआई। ममता से पूछा घोटाले में टीएमसी नेताओं के नाम क्यों है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुलायम का दावा, साइकिल पर मुलायम का दावा रखने आज अमर सिंह चुनाव आयोग पहुंचेंगे। रामगोपाल यादव ने कहा चुनाव चिन्ह का फैसला अब चुनाव आयोग करेगा, बोले अखिलेश के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। समाजवादी परिवार में सुलह की कोशिश बेनतीजा रही, मुलायम से मिले अखिलेश लेकिन मुलायम ने ठुकराई अखिलेश की चारों शर्त। मुलायम और अखिलेश विवाद को सुलझाने में एसपी नेता जुटे, आजम खान ने कहा घर को एक रखने के लिए जो भी होगा वो करूंगा। समाजवादी पार्टी में उठा पटक के बीच बाहुबली नेता अतीक अहमद का बयान, कहा दिल अखिलेश के साथ लेकिन दिमाग मुलायम के सिद्धांत को बताया। इलाहाबाद में मुलायम गुट के समर्थकों ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला, जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीनने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में अखिलेश गुट के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया, शिवपाल का होर्डिंग भी उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दूसरे अप्रवासी दिवस का उद्घाटन करेंगे, 16 अप्रवासियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री अरुण जेटली की आज राज्यों के साथ प्री बजट मीटिंग, बैठक में राज्यों से आम बजट पर राय और सुझाव पूछे जाएंगे। पहली बार 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट, 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा, 9 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। चेन्नई में एआईएडीएमके की 5 दिन की बैठक आज से, शशिकला को सीएम बनाने पर मुहर लग सकती है, सभी सांसद विधायक मिलेंगे। बिहार के समस्तीपुर में पत्रकार ब्रजकिशोर कुमार की हत्या में आपसी रंजिश का अंदेशा, कल 7 गोलियां मारी गई थी, हमलावरों का सुराग नहीं है। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिलाएंगे चीफ जस्टिस की शपथ, 7 महीने का कार्यकाल होगा। भारतीय सेना हर वक्त दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार, नए आर्मी चीफ की जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। टर्की के इस्तांबुल में आतंकी हमले में मारे दोनों भारतीयों के शव मुंबई पहुंचे, अबीस हसन रिजवी को बांद्रा में उनके घर और खुशी शाह को गुजरात ले जाएंगे। केंद्र सरकार का स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 आज से शुरू होगा, 500 शहरों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह का बयान, मजहब के मामले में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। कानपुर के समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के गनर के खाते में आए 1 अरब रुपए, डीएम से मामले की शिकायत। डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए आज मेरठ में डिजिटल धन मेले की शुरुआत होगी, राज्यपाल राम नाईक इसका उद्घाटन करेंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी में डिजी धन मेले का आयोजन हुआ, मेले में लोगों को डिजिटल लेन देन की पूरी जानकारी दी गई। बीजेपी ने ही उपराज्यपाल अनिल बैजल से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, कल विजेंद्र गुप्ता समेत 3 बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली में बहुत ही जल्द बारिश के आसार, उसके बाद ठंड और बढ़ेगी, कोहरे ने आज भी ब्रेक लगा दिया, सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर। दिल्ली से आने जाने वाली 67 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 15 ट्रेनों का समय बदला गया, 4 रद्द कर दी गई, उड़ानों पर भी असर पड़ा है। दिल्ली के नरेला के पास हाईटेक मंडी बनाने का काम जारी, 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। बेंगलुरु में महिलाओं से छेड़छाड़ पर एसपी नेता अबू आजमी का विवादित बयान, कहा जहां पेट्रोल होगा वहीं आग लगेगी। बेंगलुरु छेड़छाड़ पर अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान की चौतरफा निंदा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोनों को नोटिस भेजा।
जयपुर में बाल सुधार घर की दीवार तोड़कर 9 बाल कैदी भागे, गार्ड ने तुरंत पकड़ लिया, बाकी 8 का अब तक पता नहीं। उज्जैन में 2 नाबालिग लड़कों से 8 लाख रुपए के नकली नोट हुए बरामद, नोट छपाई का सामान भी इनसे बरामद हुआ। लखनऊ के अलीगंज में दिनदहाड़े एक सराफा व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई, थाने से 500 मीटर की दूरी पर वारदात। झारखंड के दुमका में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को हत्या के पीछे लूटपाट का अंदेशा। पंजाब के जालंधर में आपको झटका, कई वॉलंटियर्स ने पार्टी छोड़ दी, सुच्चा सिंह छोटेपुर की बनाई पार्टी में हुए शामिल। ड्यूअल कंट्रोल को लेकर आज बन सकती है आम राय, मंगलवार को जीएसटी मीटिंग में बात नहीं बन पाई। चीन के जेजियांग प्रांत से लंदन के लिए पहली मालगाड़ी रवाना हुई, 12,000 किलोमीटर की दूरी, 18 दिन में सीमा तय करेगी। चीन की यह मालगाड़ी कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से होकर गुजरेगी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत पर सवाल उठाए, मिसाइल को एटम बम से लैस करने में अक्षम बताया, कई और प्रतिबंधों के भी संकेत। सीरिया मुद्दे पर कजाकिस्तान, शांतिवार्ता लगभग खटाई में, विद्रोहियों के गुट का शामिल होने से इनकार। इराक में सेना ने आईएसआईएस से वापस छुड़ाया मिलिट्री चेक नाका, आईएसआईएस ने वीडियो जारी करके नाके पर कब्जा कर लेने का दावा किया था। मोसुल में आईएसआईएस से लड़ाई के बीच आम लोगों का पलायन जारी, गठबंधन सेना को कई इलाकों में अब भी मिल रही आईएसआईएस से कड़ी टक्कर। टर्की में आतंकी हमले के आरोपी का एक और वीडियो सामने आया, नवंबर में बीवी बच्चों के साथ पहुंचा था सीरिया से, परिवार साथ होने से नहीं हुआ शादी। चीन में नए साल की शुरुआत से ही घने कोहरे की चपेट, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी, कोहरे की वजह से प्रदूषण भी बढ़ा। फिलीपीन सरकार का ड्रग्स के खिलाफ बड़ी जीत का दावा, 6 महीने में मारे गए 6,000 ड्रग माफिया। पेरिस में एक अश्वेत पर नस्ल भेदी टिप्पणी कर उसे ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर 4 फुटबॉल फैंस को सजा, 8 महीने की जेल के साथ 10,000 यूरो का हर्जाना।